हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। और आपको पता है कि मैंने एक छोटा सा प्रण लिया था, राइट, कि मैं पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड का इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स का एक फास्ट ट्रैक रिविजन वीडियोज बनाऊंगा। और मैंने अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, राइट। मैं 6th चैप्टर पर आ गया हूँ। सून आई एम गोइंग टू कम्प्लीट द होल इकोनॉमिक्स, जहां पे मैं पूरे 12th गुजरात बोर्ड के इकोनॉमिक्स को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पढ़ाने वाला हूँ। आज हम 6th चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उस चैप्टर को पूरा फास्ट ट्रैक रिवाइज करने वाला, राइट इनफ। अब इस चैप्टर में से एक आंसर कंफर्म्ड आता है। कंफर्म्ड मतलब एकदम कंफर्म्ड, 99 नहीं, 100% वो आंसर आने वाला है। मैं आपको मेरे वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा कि ये आंसर टिक कर लो भैया, ये कंफर्म्ड आएगा, उसके ऊपर लिख दो बोली एग्जाम कंफर्म्ड आने वाला है, साइन सिक्का लगा के मैं दूंगा आपको, 100% आएगा, राइट। सो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको यहाँ मेरे साथ बने रहना है, यहाँ टिक के बैठे रहना है, राइट। आज अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगले 15 मिनट में आपका इस चैप्टर का पूरा रिविजन खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लो कि आपको मेरे साथ साथ ये वीडियो पूरा याद हो जाए, ये टॉपिक पूरा याद हो जाए, राइट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, एग्जाम व्यू पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। सो बच्चा लोग, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है यार? बड़ा ही सिंपल सा बात है। अनएम्प्लॉयमेंट एक लेमैन आदमी की भाषा में होता है, एक आदमी जिसके पास काम नहीं है वो हो गया अनएम्प्लॉयड। मतलब अगर किसी के पास भी काम नहीं है तो वो हो जाता है अनएम्प्लॉयड। बट आपको क्या लगता है, इकोनॉमिक्स इतना सिंपल किसी चीज को छोड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट। इकोनॉमिक्स इतना सिंपल नहीं छोड़ता कि भैया आपके पास काम नहीं है मतलब आप अनएम्प्लॉयड हो, ऑफ कोर्स नहीं। छोटा बच्चा कुछ काम नहीं है, पूरे दिन खेलता है, क्या वो अनएम्प्लॉयड है? नहीं। बूढ़े दादा दादी घर पे बैठे रहते हैं पूरे दिन, क्या वो अनएम्प्लॉयड है? नहीं। तो अनएम्प्लॉयड की स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी, पढ़ेंगे किताब वाली बात में, पहले कॉमन सेंस वाली डेफिनेशन समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा, वो बंदा जो काम ढूंढ रहा है, जो काम के लिए दर दर घूम रहा है, जो उस काम के लिए क्वालिफाइड है, जो प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो काम करने को तैयार है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसे अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। मतलब वो काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए क्वालिफाइड है, प्रिवेलिंग वेज रेट पर रेडी है, बट फिर भी उसे काम नहीं मिले तो उसे कहा जाता है अनएम्प्लॉयड, राइट। मतलब ऐसे लोग जो काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं और उन्हें काम मिल नहीं रहा है तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। इसलिए बच्चे, बूढ़े और हाउसवाइफ, ये लोग कभी भी काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, राइट। दे आर नॉट सर्चिंग फॉर जॉब, सो व्हेन दे आर नॉट सर्चिंग फॉर जॉब दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अनएम्प्लॉयड, राइट। सो फॉर अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए 3 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप काम ढूंढ रहे हो, दूसरा आप काम करने के लिए क्वालिफाइड हो, और तीसरा आप प्रिवेलिंग वेज रेट पे तैयार हो। अगर ये 3 चीजें हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपको कहा जाएगा अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं हमारी बेसिक डेफिनेशन, राइट। तो मैंने क्या कहा था, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है तो ही आप अनएम्प्लॉयड माने जाओगे। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, आप काम करने के लिए विलिंग हो। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, आप काम करने के लिए क्वालिफाइड हो। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, आप उस काम करने के लिए प्रिवेलिंग वेज रेट पे तैयार हो, राइट। जो भी प्रिवेलिंग वेज रेट है आप उस रेट पे तैयार हो। अगर ये 3 चीजें हैं और फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप अनएम्प्लॉयड गिने जाओगे। इन शॉर्ट, विलिंगनेस टू वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप काम करना ही नहीं चाहते हो तो आपको कभी भी अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। आगे, अब अनएम्प्लॉयड खाली इंसान नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी होते हैं। मतलब लैंड भी अनएम्प्लॉयड होता है, लेबर भी अनएम्प्लॉयड होता है, कैपिटल भी होता है और एंटरप्रेन्योर भी होता है। दैट्स द रीजन दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली प्रॉब्लम फॉर लेबर बट अदर देन लेबर वो बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी लागू होता है, राइट। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन सारे फैक्टर्स में भी लागू होती है, सो इसलिए इसे कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन। जब भी इस चैप्टर के बारे में कुछ पूछे, डेफिनेशन लिख के स्टार्ट करो, एग्जामिनर बड़ा खुश होगा, 100% ही विल फील हैप्पी कि यस, इस बच्चे को कुछ आता है, गुड, राइट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द बेसिक वेज ऑफ मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के 4 बेसिक मेजरिंग रॉड्स है या 4 तरीके हैं, 4 वेज है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, अगर एक आदमी को पूरे हफ्ते में 28 घंटे से कम, लेस देन 28 आवर्स ही इज गेटिंग जॉब फॉर ओनली लेस देन 28 आवर्स, देन ही इज सेड टू बी इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। क्या कहा जाएगा उसे, उसे कहा जाएगा इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। बट वही बंदे को अगर 28 से लेके 42, राइट,
28 से लेके 42 आवर्स तक अगर उन्हें मिल रहा है तो उसे कहा जाता है लेस इंटेंस, राइट, थोड़ा कम है, ओके okay? और 42 से ज्यादा है मतलब वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट इनफ। सेकंड होता है ऑन द बेस ऑफ इनकम, अगर आपकी इनकम स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज में अगर आप देखो तो आपकी इनकम अगर बहुत कम है, आप अपने बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आपको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। ये नॉर्मली आपको रूरल एरियाज में देखने मिलेगा, अर्बन एरियाज में नॉर्मली ये वाली चीजें बहुत कम देखने मिलती है। नेक्स्ट वन विलिंगनेस, राइट। अब अगर आप विलिंग हो काम करने के लिए और आपको काम नहीं मिल रहा है तो ही आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आओगे, आप विलिंग नहीं हो काम करने को तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में गिना जाता नहीं है। द लास्ट वन इज प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी अगर अंडर यूटिलाइज्ड है मतलब आपकी कैपेबिलिटी है कि यू कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स अ डे, राइट, आप 100 यूनिट आराम से बना सकते हो बट आपका एम्प्लॉयर बोलता है भैया 100 मत बना इतना दिखेगा नहीं, 40 बना के घर चला जा, राइट, सो वो आपसे सिर्फ 40 ही बनवा रहा है जबकि आपकी कैपेसिटी 100 की है। सो जब कभी भी आप अपनी कैपेसिटी के बिलो काम कर रहे हो तो उसे कहा जाता है अनएम्प्लॉयड, तो वो प्रोडक्टिव सेंस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, राइट इनफ। सो ये चार बेसिक मेजर्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का, दैट इज टाइम, इनकम, विलिंगनेस एंड प्रोडक्टिविटी, सबको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ूंगा मैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट, ये आंसर आएगा, आएगा 100% आएगा, एक और इसके बाद में, बट ये भी 100% आएगा, राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर। आई एम नॉट सेइंग कि चारों के चार या पांचों के पांच ही पूछेंगे बट इसमें से एक आधा उठा के भी कभी पूछ लेते हैं। इनका फेवरेट है डिसगाइज्ड, ये इनका फेवरेट है, राइट, अभी से बता रहा हूँ, पेपर फोड़ रहा हूँ सर मैं तो, खुला पेपर बता रहा हूँ, ये इनका फेवरेट है, पूछने की फुल ऑन चांसेस होते हैं हर बोर्ड एग्जाम्स में, राइट। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, जिसमें सबसे पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे एक आदमी काम करना चाहता है, काम करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए क्वालिफाइड है, काम करने के लिए प्रिवेलिंग वेज रेट पे रेडी है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है तो उसे कहा जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो ये तो बेसिक सिचुएशन होगी, बेसिक कंडीशन होगी। सेकेंड होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक आदमी को अपने ओहदे का काम नहीं, उसको अपने से नीचे वाले लेवल पे काम करना पड़ता है, मतलब वो अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, बट इकोनॉमी में इतने स्लैश चल रहे हैं कि मुझे सीए का जॉब नहीं मिल रहा है, सो मुझे अपने घर चलाने के लिए मुझे एक अकाउंटेंट का जॉब करना पड़ता है। सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, सो आई एम अंडर एम्प्लॉयड, राइट, मैं अपनी पूरी क्वालिटीज को यूज नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयड। क्या कहा जाएगा मुझे, अंडर एम्प्लॉयड। थर्ड वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये आंसर, ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% एग्जाम में आएगा, और उसमें से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपके एग्जामिनर का फेवरेट है, एकदम फेवरेट है, राइट, सो प्लीज ध्यान से सुनना। तीसरा है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चा लोग इसे, इसे कहा जाता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी। अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एक आदमी काम कर रहा है, वो हमें काम करता हुआ दिख रहा है बट फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब दिखने में वो एम्प्लॉयड है बट ऐसे वो अनएम्प्लॉयड है। क्या सर क्या मजाक कर रहे हो, कुछ भी पागल बना रहे हो, यस यस सच में, इसलिए उसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि ऐसे अगर एक आम आदमी दिखेगा तो यार ये तो पूरे दिन काम करता है सो वो आपको अनएम्प्लॉयड दिखेगा नहीं बट सच में उसकी इनकम, उसके काम करने से उसकी इनकम हमारे इनकम मतलब कंट्री की इनकम में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, मतलब कहने के लिए वो बंदा पूरे दिन इन्वॉल्व है, कहने के लिए वो बंदा पूरे दिन काम कर रहा है बट उसके होने या ना होने से कंट्री की इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रही, इनफैक्ट उसके होने या ना होने से उसकी फैमिली की इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे कहा जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में बात करते हैं। एक छोटा सा एक फार्म है, राइट, एक खेत है, इस खेत पे खेती करने के लिए चार लोग बहुत है, राइट, चार लोग बहुत है बट नॉर्मली गांव में क्या होता है कि आप भले खेत में चार लोगों की जरूरत है बट परिवार 8 जनों का है या 7 जनों का है तो अब बाकी 3 जने क्या करेंगे, कोई और काम तो है नहीं भाई, कोई पढ़ा लिखा है नहीं कि शहर में आके नौकरी कर ले, तो वो लोग क्या करते हैं, वो 7ों जने मिलकर उस खेत पे ही काम करते हैं, जहां काम सिर्फ 4 जनों का ही है बट फिर भी 7ों जने मिलकर काम करेंगे, मतलब एक आम आदमी देखेगा तो उसे लगेगा 7 जने एम्प्लॉयड है जबकि सच में एम्प्लॉयड सिर्फ 4 जने ही है, बाकी 3 जने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है क्योंकि उनके होने या ना होने से उनकी फैमिली की इनकम में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और नेशनल इनकम में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहा जाएगा उसे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मोस्टली दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट इनफ। नेक्स्ट वन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो हमेशा से तेजी मंदी का दौर चलता रहता है,
थोड़े दिन तेजी आई, फिर मंदी आ गई, वापस तेजी आ गई, वापस मंदी आ गई, राइट। सो जब तेजी आती है सबको काम मिलता है, मंदी आती है कुछ लोगों का काम चला जाता है, वापस से तेजी आएगी काम मिलेगा, वापस से मंदी आएगी, सर ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से होते रहता है, राइट। सो जब जब बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस काम मिलता है, काम छूटता है, तो उसे कहा जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हर बार रहता है, हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसे जीरो करने की कैपेबिलिटी हमारी नहीं है। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कभी कभार क्या होता है, एक आदमी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की तरफ जाता है, या दूसरा जॉब ढूंढता है, या दूसरे जॉब के लिए तैयारी करता है, राइट। सो उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहा जाएगा उसे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत यूजुअल है, बहुत रेगुलरली मिलता है, और ये कोई चिंता का विषय नहीं, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके एंड फाइन, राइट। हर आदमी अपने लाइफ में एक लेवल आगे बढ़ना चाहता है, तो कभी कभार 2-3 महीने छुट्टी लेता है, एक नई चीज सीखता है, या थोड़ा हायर ग्रेड के लिए ट्राई करता है, सो वो कुछ टाइम के लिए घर बैठ जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, याद रहेगा। सो दिस आंसर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आएगा। इसके बाद में एक आंसर और है जो भी हर बार एग्जाम में आता है। देखो मैं ये नहीं बोला कि पांचों पूछेंगे, पांचों में से एक पूछेंगे, बट पूछेंगे जरूर, कंफर्म्ड पूछेंगे, लिख लो, साइंस सिक्का मेरी तरफ से तुम लगा दो, बट कंफर्म्ड पूछेंगे, राइट इनफ। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब भैया ये अनएम्प्लॉयमेंट होता क्यों, व्हाट आर द बेसिक कॉजेस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, बट इसकी प्रोबेबिलिटी पूछने की 70%, राइट, झूठ नहीं बोलूंगा, नॉट 100%, 60-70% है। तो क्या हो गया ये आंसर, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किन कारण से अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी फर्स्ट वन, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन। भैया आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी कंट्री ऑलरेडी 150 करोड़ लोगों की कंट्री है, इट्स अ कंट्री ऑफ 150 करोड़ पीपल, राइट। अब हमारी कंट्री में अगर हर साल 2% लोग भी पैदा हो रहे हैं, राइट, 2% अगर हमारा ग्रोथ रेट हम समझे, तो हर साल हमारी कंट्री में 3 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं, जबकि जॉब क्रिएशन मुश्किल से 50-60-70 लाख लोगों के लिए होता है, तो हर साल करीबन करीबन 2 से सवा 2 करोड़ लोगों के पास जॉब नहीं होता है। सो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आज भी 1.92% के आसपास दौड़ता है, राइट। स्लो राइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मैंने ये बताई थी आपको कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत धीरे धीरे क्रिएट होती है, पॉपुलेशन फटाफट क्रिएट हो रहा है, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। तीसरा, लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी है, राइट, डेवलपिंग नेशन है, राइट, सो हमारे यहाँ पे घर में लोग पैसे ज्यादा बचा नहीं पाते हैं, और जब वो पैसे बचा नहीं पाएंगे तो पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब वो पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल क्रिएशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण नए जॉब्स नहीं क्रिएट हो पाते, जिसके कारण नई इंडस्ट्रीज नहीं बन पाती है, तो उसके कारण भी गरीबी हमारी कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बढ़ता जाता है। नेक्स्ट वन, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये तो हमें सबको पता ही है भैया, टेक्नोलॉजी ने तो सब कुछ खत्म कर दिया, राइट। एक टेक्नोलॉजी कितने सारे लोगों का जॉब खाने की कैपेबिलिटी रखता है, राइट। सो पहले पहले इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव थी, लेबर इंटेंसिव मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे सारा काम लेबर के थ्रू होता था, आजकल इंडस्ट्रीज हो गई कैपिटल इंटेंसिव, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा काम मशीन करती है, राइट। सो जैसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आ गई, लेबर्स की जरूरत कम हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना 100% बनता है। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ वोकेशनल एडुकेशन, ये टॉपिक मेरे को बड़ा पसंद है यार, हमारा एडुकेशन सिस्टम इतना बोरिंग है, इतना बोरिंग है, जो हमें सिर्फ रटवा रहा है, जो हमें सिर्फ चीजें याद करवा रहा है, मतलब अगर हमें हमारी डिग्री के बाद में जॉब नहीं मिला तो सर सच में हमें कोई प्रैक्टिकल काम तो आता ही नहीं है, राइट। मतलब एक सिंपल सी बात समझो, हमारे घर का स्विच बदलना भी हमारे बस की बात नहीं है। सो ये लैक ऑफ वोकेशनल एडुकेशन होता है, दैट वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर एडुकेशन जिससे हम एक बेसिक काम भी कर सके, वो एडुकेशन हमारा आज भी मिसिंग है। सो दिस इज द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल, क्योंकि हमें हाथ काम, हैंड जॉब्स जो होते हैं वो सब हमें नहीं आते, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार अच्छे से मैन पावर प्लानिंग नहीं कर पा रही है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है उनके साथ क्या किया जाए। सो कभी कभार हमारे प्लानिंग में फॉल्ट आने के कारण इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है। इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इसलिए ही बनाए जाते हैं कि वो लोगों का वेलफेयर करें, वो और ज्यादा जॉब क्रिएट करें, बट हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है सर, मैक्सिमम एंटरप्राइजेस इनएफिशिएंट है, कुछ एंटरप्राइजेस बहुत बहुत बेहतर है, लाइक हमारा इंडियन रेलवे सुपर, राइट। सो ऐसे कुछ है जो बहुत अच्छे हैं, बट मैक्सिमम पार्ट बहुत बेकार है, वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे, एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बन पा रही है। नेक्स्ट वन, नेग्लिजेंस टुवर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर को आज भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। आप सोचो, हमारी कंट्री की 40
परसेंट आबादी खेती कर रही है, राइट। फिर भी हमारा प्रोडक्शन फॉरेन इकोनॉमीज में 3% आबादी जितना है, जितना 3% लोग वहां मिलके खेती करते हैं, हम 40% भी नहीं कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन चाहिए, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट चाहिए, एग्रीकल्चर को आपको टाइम देना पड़ेगा जो शायद नहीं मिल पा रहा है जितना इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर को मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन, लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। भैया हमारे यहाँ पे तो ये तो बहुत बहुत अच्छा फैक्टर है कि हम अपने गांव को, अपने देश को, अपने शहर को, अपनी मिट्टी को छोड़ के जाने में बहुत घबराते हैं, राइट। नो डाउट ये लिमिटेशन आज की तारीख में इतना वैलिड नहीं है, पीपल आर इजी टू मूव, राइट। आप में से भी कितने लोग पढ़ लिखे कनाडा जाना चाहेंगे, यूके जाना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहेंगे, राइट। सो वी आर इजी टू मूव एंड वी आर ओपन एंड फ्री। अगर हमें हमारे घर वाले अलाउ करें, वो कैन फाइन, आई सी इट माई मॉम वन डे, मुझे जाने दो भी, यहाँ पे मजा नहीं। न्यूजीलैंड में आई एम गेटिंग अ गुड जॉब। न्यूजीलैंड इज अ कंट्री जहाँ पे टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट है, टीचर्स और डॉक्टर्स को इक्वल ग्रेड मिलता है, इक्वल पे स्केल मिलती है। एंड माय मॉम वाज लाइक ठीक है चला जा, राइट। बट अब होता क्या है, आज हमें रोक टोक नहीं है, हम चाहे तो आराम से निकल सकते हैं। सो ये वाला पॉइंट हमारे आपके लेवल पे शायद वैलिड नहीं रहेगा, बट यस कहीं ना कहीं जो अनएडुकेटेड लोग है, गरीब लोग है, जो एकदम लेबर क्लास वाले, उनको अपने देश के बाहर जाने में बहुत डर लगता है बिकॉज दे आर नॉट एडुकेटेड। सो उन पर्टिकुलर लोगों में ये वाला पॉइंट वैलिड रहता है कि उनकी मोबिलिटी बहुत कम होती है। वो ज्यादा से ज्यादा यूपी बिहार वाले लोग बॉम्बे सूरत अहमदाबाद में आके काम कर लेंगे, वापस वहां चले जाएंगे। उनको बोलोगे दुबई चलोगे तो वो आपके साथ आने को तैयार नहीं होते। दिस इज अ लिमिटेशन। एंड लास्ट वन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ऐसा कहा जाता है कि जब 1% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है तब GDP 1% बढ़ता है, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एक इकोनॉमी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना खर्चा नहीं कर पा रही है। सर दैट इज ओनली द रीजन वी आर डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी को मेंटेन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 150 करोड़ की, हाँ इट्स वेरी वेरी इजी टू से फॉर अस कि देखो हमारे यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स नहीं है, देखो हमारे यहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है। सर आप एक बात समझो, वी आर 150 करोड़ पीपल, 150 करोड़ की आबादी को मेंटेन करना, मैनेज करना, इट्स नॉट दैट इजी स्टफ, राइट। सो उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी इतने अच्छे नहीं है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, राइट इनफ। सो दीज आर सम कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन आई एम सेइंग यू 70% चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, 70%, राइट। आगे बढ़ेंगे, व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन इसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इन एग्जाम्स इज 70%, राइट। दोनों में से एक पूछते इसलिए मैंने 70 बोला है आपको। सो मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अब जो ऊपर इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहे हैं उसको कम करने के लिए आप क्या करो। सर ऊपर वाले पॉइंट को रिवर्स कर दो, ऊपर लिखा था अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, तो नीचे लिखेंगे भैया पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, राइट। आपको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट को बढ़ाना है, राइट। आपको अपनी इकोनॉमी को और जल्दी जल्दी ग्रो करना है, GDP को जल्दी जल्दी भगाना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। आपको कोशिश करना है कि आपकी सारी की सारी प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो, मतलब गोल घुमा के बात मत करो, डायरेक्ट प्लानिंग करो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए। सो अगर आप अगर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग कर पाओगे तो यस आप 100% अनएम्प्लॉयमेंट कर्व करने में साथ निभा पाओगे, आप 100% अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर पाओगे। नेक्स्ट वन, आपको ये भी कोशिश करना है कि आपका एडुकेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, मतलब एक आधा सब्जेक्ट तो बच्चों को ऐसा दो कि कल को बेटा तुम्हें कहीं कोई नौकरी नहीं मिले तो तुम एटलीस्ट इतना काम करके अपना पेट तो पाल सकते, तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़े, एटलीस्ट इतना उनको सिखा दो, राइट इनफ। सो आपको जो एडुकेशन देना है वो भी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। कोशिश करिए कि आप कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा डेवलप करें। मैंने कहा था कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोस्टली लेबर इंटेंसिव होती है, वहां पे मैक्सिमम सारा का सारा काम लेबर के थ्रू होता है, मशीन्स बहुत कम होती है, राइट। सो ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप होने से बहुत जॉब क्रिएट होते हैं, इसलिए सरकार को कोशिश करना चाहिए कि वो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा डेवलप करने की ट्राई करें। नेक्स्ट वन, एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर धमाधम बढ़ाएं। देखो ये कोई अच्छा तर्क नहीं होता कि जहां पे लोगों के पास नॉर्मल ट्रेन या बुलेट ट्रेन क्यों बना रहे हैं। सर बनाना जरूरी है, यू हैव टू डेवलप दीज थिंग्स, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही आगे जाके आपकी इकोनॉमी को डिफाइन करेगा। आप सोचो हम में से कितने लोग दुबई जाते हैं घूमने के लिए, दुबई में क्या है। सर दुबई में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाई टेक सॉफ्टवेयर, हाई टेक गजब टेक्नोलॉजी। क्यों ये सब हम देखने क्यों, हम क्यों इतना इंप्रेस होते हैं, क्योंकि सर उन्होंने उन चीजों को डेवलप किया। आई नो देयर इज दिस इज ऑल अबाउट टाइमिंग, बट टाइमिंग कभी सही या गलत नहीं होता, काम करना पड़ता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक्सक्यूज देना अलाउड नहीं, यू हैव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी ग्रो हो, आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड द लास्ट वन, स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। सर खेती को इंपॉर्टेंट मानो, खेती में और रिवॉल्यूशन लाओ और स्पीड लाओ,
लोगों को खेती से हटा हटा के बाकी जगह काम कराओ और एग्रीकल्चर को बहुत डेवलप करो। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो यस आप अनएम्प्लॉयमेंट को 100% हरा पाओगे। चलिए, एंड मैंने जो कहा था जो 100% एग्जाम में आने वाला है सर वो ये टॉपिक है, राइट। ये 100% एग्जाम में आता है। पता नहीं लोगों को इस टॉपिक में क्या मजा आता है, एग्जामिनर को क्या मजा आता है बच्चों को परेशान करने में, बट ये हर बार पूछते हैं सर आपको ये रटना पड़ेगा, आई कांट हेल्प यू, राइट। ये टॉपिक आपको मक करना पड़ता है। ये टॉपिक है क्या कि सर सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कर्व करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। सो सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है, राइट। इन योजनाओं के तहत सरकार क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में कोशिश करती है। मतलब कभी लोगों को काम देती है पर डे वाइज, उनको डेली डेली पैसा देती है या खाना देती है, और इस तरह से गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड लोगों का घर चलाने की कोशिश करती है। सो इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको बहुत सिंपल सिंपल है कौन सी योजना कब चालू हुई थी वो याद करना है, कौन सी योजना का क्या ऑब्जेक्टिव था वो याद करना है, बस खत्म बात। एक तो स्टार्टिंग डेट क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, बस खत्म। दो दो तीन तीन लाइन में भी आप पांच की पांच एक्सप्लेन कर दोगे, इट्स डन 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 डन, कोई टेंशन नहीं है, तो एग्जाम में ये कंफर्म्ड आती है, राइट। चलिए योजनाओं के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट, जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं। अगर आप लोग टीवी देखते हो तो राहुल गांधी और मोदी जी ने इस पर बहुत बार डिबेट किया, मनरेगा नारेगा, राइट, इस पर बहुत बार डिबेट होता है। सो ये पर्टिकुलर योजना है जो पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे चलती है, जो हर आदमी को गारंटी देती है कि अगर तेरे पास काम नहीं है यू कम अंडर दिस योजना, हम आपको इतना काम देंगे जिससे आपका खान पान चलता रहेगा। सेकेंड, अब ये सब योजना लेटेस्ट में बनी है, राइट, ये पहले नहीं थी, अभी अभी डेवलप हुई ये सब योजना। सेकेंड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती योजना। ये योजना के तहत भी हम हर पर्टिकुलर वर्कर को काम देते हैं, सामने उसको रोटी या फिर पैसा देते हैं, राइट। नेक्स्ट योजना बनी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अगेन ये गांव के लिए विलेजेस के लिए डेवलप की गई है। उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यहाँ पे वापस से गांव को डेवलप करने के लिए योजनाएं निकाली गई है। एंड द लास्ट वन प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम्स, अंडर दिस प्रोग्राम इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर के लिए सरकार पैसा देती है, काम करवाती है। तो ये सारी की सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू लर्न द योजनाएं, कौन सी तारीख को चालू हुई थी, क्या ऑब्जेक्टिव, उतना याद कर लो, एग्जाम के लिए बहुत है। बट एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये इनको पता नहीं बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन, वेरी बोरिंग आंसर्स, बट 100% आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट एंड गाइस। सो इसके साथ मैंने आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया सर, 15 मिनट में एक चैप्टर खत्म, उससे ज्यादा तो आप क्या चाहोगे मेरे से, राइट। आपको करना क्या रहेगा, आपको सिर्फ जब जब इकोनॉमिक्स लर्न करो ये वीडियो खोल के बैठ जाओ, साथ साथ में लर्न करते रहो, साथ साथ में पढ़ते रहो। अच्छा ये पांच टॉपिक ये थे, फटाफट चलो पांच टॉपिक के नाम ही हो गए, कंटेंट दो दो तीन तीन लाइन का लर्न कर लो, इट्स दैट्स इट, इट्स डन 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 डन, राइट। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इकोनॉमिक्स मेरे साथ पढ़ने में, जरूर से बताएगा कमेंट में कितना मजा आ रहा है, और 100% भी बताएगा और आप मेरे से क्या चाहते हो। सर इकोनॉमिक्स मेरा खत्म हो गया, ओसी खत्म हो गया पूरा का पूरा, अब नेक्स्ट आप मेरे से क्या चाहते हो, प्लीज प्रोवाइड मी सम गुड सजेशंस, आई एम रेडी टू वर्क फॉर यू, राइट एंड गाइस, दैट वाज फॉर द डे, विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।